आज मैं आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। मेरी पिछली वीडियो में दीपांकर मजूमदार जी ने स्टार के दो पॉपुलर प्लान फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव के बीच डिफरेंस की रिक्वेस्ट की थी। दोनों प्लान में डिफरेंस क्या है, कौन सा प्लान लेना आपके लिए बेहतर है और क्यों, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि बेस्ट वीडियोस मिलते रहे आपको सबसे पहले। स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान अवेलेबल है फ्लोटर पॉलिसी में। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। सम इन शॉर्ट, स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपको मिलता है 1,00,000 रुपए से लेकर 25,00,000 रुपए का वेरियंट। अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान 5,00,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक के वेरिएंट में अवेलेबल है। स्टार की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपका बच्चा अगर 17 दिन का है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। और वहीं अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम इस पॉलिसी में आप 65 साल तक के एज तक के मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में चाइल्ड आपका कम से कम 90 दिनों का होना चाहिए। अडल्ट की बात करें तो अडल्ट आपका सेम 18 साल से लेकर 65 साल तक ऐड हो सकते हैं, मैक्सिमम एज 65 साल है। नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आप पूरे साल कभी क्लेम नहीं करते हैं तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपका कवरेज पहले साल कंपनी 25% बढ़ाती है और बाकी सालों में 10-10%। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में अगर आपके पास 5,00,000 रुपये या 7,50,000 रुपये का कवरेज है तो कंपनी आपको 50% का नो क्लेम बोनस देती है। वहीं अगर आपके पास 10,00,000 से लेके 1,00,000 रुपए का कोई भी वेरिएंट है तो आपको 100% का नो क्लेम बोनस मिलता है। रिचार्ज बेनिफिट, यानी कि सेम इलनेस के लिए एक्स्ट्रा पैसा, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये मिसिंग है। अगर आपको नहीं पता कि रिचार्ज बेनिफिट कैसे काम करता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा वीडियो चेक करें। हेल्थ चेकअप, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपको हर साल कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप कंपनी देने को रेडी है अगर आपका क्लेम फेलियर होता है। ये लिमिट है 1,500 रुपए। वहीं अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको हर साल कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप 2,000 रुपए क्लेम फी ईयर पे कंपनी देने को रेडी है। मेटर्निटी, यानी कि प्रेगनेंसी का खर्चा, स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपको मेटर्निटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको मेटर्निटी बेनिफिट अवेलेबल होगा। मेटर्निटी के लिए आपको जो बेनिफिट मिलता है वो डिपेंड करता है आपके कवरेज पे। इसके बारे में भी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी कवर, में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी कंपनी कवरेज देती है। जी हाँ, बिना मैटरनिटी के ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए कंपनी यहाँ पे आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट देने के लिए रेडी है, जिसमें बच्चे का वैक्सीनेशन भी इंक्लूडेड है। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए 1,00,000 रुपए का कवरेज मिलता है और बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए अलग से 5,000 रुपए कंपनी देने के लिए रेडी है। OPD, यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, जनरली आई एंड डेंटल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करके नहीं देती है और सेम स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव के प्लान की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको 5,000 रुपए कंपनी देने के लिए रेडी है हर एक 3 साल के लिए, यानी 3 साल में आप 5,000 रुपए तक का खर्चा कर सकते हैं। आपके जितने भी ओरिजिनल बिल्स हैं वो कंपनी को सबमिट करिए, कंपनी आपका पैसा रिटर्न करने को रेडी है। एम्बुलेंस, स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में एम्बुलेंस के लिए आपको मिलते हैं 750 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस देने के लिए कंपनी रेडी है। एक्सीडेंटल डेथ कवरेज, जनरली कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको मरने पर पैसे नहीं देती है और सेम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो स्टार हेल्थ के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये एक्सक्लूसिव ऑप्शन अवेलेबल है, डेथ पे आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपनी देने के लिए रेडी है। अगर एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ होती है तो उस केस में कंपनी आपको सम इंश्योर्ड के बराबर पैसे देने को रेडी है आपके नॉमिनी को। बैरियाटिक सर्जरी, यानी कि अगर आप अपना मोटापा घटाना चाहते हैं तो जनरली ये भी कोई कंपनी आपको नहीं देगी फीचर और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली। ये ऑप्शन आपको मिलता है सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में और इस चीज़ के लिए कंपनी आपको 2,50,000 रुपये देने के लिए रेडी है। शेयर्ड अकोमोडेशन, क्या आपको पता है कि स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में आपको पर डे का 800 रुपये मिल सकता है अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं, यानी कि अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम की जगह ट्विन शेयरिंग लेते हो या जनरल वार्ड तो कंपनी आपको 800 रुपये हर दिन का देने के लिए तैयार है। ये फीचर आपको कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं मिलेगा। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत है जिसके लिए आप अपने ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो जनरली कोई भी कंपनीज कवर करके नहीं देती हैं, बट स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में ये ऑप्शन अवेलेबल है। आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कंपनी कवर करने के लिए रेडी है 3 साल के बाद और वहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं मिलता है। सबलिमिट,
जी हाँ, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में। शायद आपको ना पता हो, अगर आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हो तो स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में लिमिट है। कितनी लिमिट है ये चेक करना है आपको, तो मेरी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान पे, आप उसको एक बार चेक करिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। वही अगर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव में कैटरेक्ट पे कोई लिमिट नहीं है आपकी। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जिसे हम डेली कैश बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं, तो ये ऑप्शन आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कंपनी आपको ₹500 पर डे देने के लिए रेडी है। आपका हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम 7 दिन से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम आप 120 दिन तक का खर्चा ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। अगर आप चाहते हैं कम प्राइस में अच्छा बेनिफिट तो स्टार का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जहां आप मैटरनिटी भी ढूंढ रहे हैं, ओपीडी चाहिए, बैरियाटिक सर्जरी एंड अलॉन्ग विद दिस ज्यादा नो क्लेम बोनस, तो स्टार का कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे सबसे पहले।